हेलो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है और प्लास्टिक के एग्जांपल आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक पॉलीमर है, जो एक या एक से अधिक मोनोमर से मिलकर बनी होती है। मोनोमर प्लास्टिक का एक पार्ट है, एक कण इसे कह सकते हैं आप। तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर वे पदार्थ हैं जिनके अणु आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा वह सरल अणुओं जिन्हें मोनोमर कहा जाता है से मिलकर बने होते हैं। मोनोमर क्या है? एक छोटा अणु जो एक बड़े अणु बनाने के लिए एक समान अणु प्रतिक्रिया करता है उसे मोनोमर कहते हैं। पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर एक खुली अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं तथा इन्हें पौधों जीवधारियों से प्राप्त किया जाता है, उदाहरण के लिए सेल्यूलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़। सिंथेटिक पॉलीमर मानव निर्मित होते हैं, इन्हें कारखानों में उत्पादित किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक फाइबर, शीट कवर, फिल्टर क्लॉथ। अगर मैं आपको सिंपल भी बताऊँ ना कि प्लास्टिक पॉलीमर क्या है, तो अभी आप उदाहरण के लिए जैसे अभी आप जो बॉल देख रहे हैं ना सामने ना, इस बॉल को, ये दीवार को बनाने में जिस जिस चीज़ का यूज किया गया है, जैसे ईंट है, क्योर सैंड है, ग्रेवल है, तो इन्हें हम कह सकते हैं मोनोमर, और इस पूरी वॉल को कह सकते हैं हम पॉलीमर। बोलो, छोटे छोटे पार्ट को मोनोमर कहते हैं, और जो छोटे छोटे पार्ट मिलके एक बड़ा बड़े पार्ट को बनाते हैं उन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जो आसानी से मोड़ा जा सकता है तथा इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम होती है पर ठंडा होने पर ठोस हो जाती है। थर्मोप्लास्टिक मुलायम होने के बाद इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल आइसक्रीम। आइसक्रीम को अगर हम गरम करें तो ये मेल्ट हो जाती है, अगर हम इसको ठंडा करें तो ये सॉलिड हो जाती है, ठोस हो जाती है। तो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड की प्रतिक्रिया जिस प्लास्टिक में होती है वह थर्मोप्लास्टिक होती है। थर्मोप्लास्टिक को कई बार रिसाइकिल किया जा सकता है, उदाहरण के लिए PE पॉलीएथिलीन, PS पॉलीस्टायरीन, PP पॉलीप्रोपाइलीन, PET पॉलीएथिलीन, थेराफेथलेट, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथिनाइल, LDPE लो डेंसिटी पॉलीथिनाइल, NP नेचुरल पॉलीथिनाइल, NPP EPP एक्सपेंडेड पॉलीप्रोपाइलीन, EPE एक्सपेंडेड पॉलीएथिलीन, EPS एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन, ABS। तो ये काफ़ी सारे उदाहरण हैं। तो अभी आप जितनी सामने भी देख रहे हैं ना, ये सारी थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक को कई बार रिसाइकिल किया जा सकता है, इसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद
दोबारा गर्म करके कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक जो एक बार गर्म करने पर तो मुलायम हो जाते हैं पर दोबारा गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं, इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इस प्लास्टिक को एक बार प्रयोग में लाया जाता है। इस प्लास्टिक को एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता। इस प्लास्टिक को एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्रयोग में लाया जाए तो यह पिघलती नहीं है, जल जाती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए फाइबर, अपॉक्सी रेजिन, मेलामाइन, बेकेलाइट, PF फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, UF यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया प्लास्टिक क्या है और प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।